हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक हेल्पफुल वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें आपकी पिगमेंटेशन, आपकी मिलाजमा, झाइयाँ, झुर्रियाँ जैसी जितनी भी आप फेस की प्रॉब्लम है वो एक रेमेडी से होने वाली है ख़त्म। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताने वाली हूँ। अगर आपके हैंड भी बहुत ज़्यादा टैन हो रहे हो और आपके हैंड में भी निखार नहीं आ रहा, फेस पर निखार नहीं आ रहा, बॉडी पर निखार नहीं आ रहा, तो आपके लिए होने वाली है ये रेमेडी। तो वॉच कीजिए एंड तक क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमें एक कटोरी ले लेनी है कुछ इस साइज की, आप किसी भी साइज की ले सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट रहेगा वो रहेगा कर्ड। आप ले सकते हैं कोई नॉर्मली घर वाला भी, अदरवाइज आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेडीमेड ही मैंने यूज़ किया है। तो जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट रहेगा वो कर्ड, जो हमारी स्किन को डे बाय डे ब्राइटन करने का काम करता है। ये आपको डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप कर्ड खाने में यूज़ करें और स्किन पे यूज़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिज़ल्ट मिलेंगे। तो जो फर्स्ट हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ले लिया है, तो यहाँ पर हमें 1 टीस्पून कर्ड लेना है, दही लेना है। तो आप उतना ही लीजिए जितना आपको ज़रूरत है, बाकी आप स्टोर करके रख सकते हैं इस रेमेडी को। और इसको सिर्फ नाइट में ही यूज़ करना है, डे में इस रेमेडी को यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि जो हमारी स्किन होती है वो रात में रिलैक्स होती है, माइंड फ्री होती है। तो यहाँ पे हम जो इस इंग्रेडिएंट को यूज़ करने का टेक्निक है वो थोड़ी यूनिक है, जो हमारी स्किन में जो 100% वर्क करेगी। तो जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट रहेगा वो टमाटो रहेगा, टमाटर। तो आप ले सकते हैं, जो टमाटर होता है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, स्किन से टैन रिमूव करता है और आपके डार्क स्पॉट्स जो होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे आप टमाटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, अगर आपकी स्किन पे सूट नहीं करता है टमाटर, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप कोई टोनर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यही यूज़ कर रही हूँ तो आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने टमाटर को कर लिया कट और इसका हमें थोड़ा सा जूस चाहिए है बिल्कुल ही, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप यूज़ कर सकते हैं टोनर का अगर आपको ये सूट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है उसके लिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया कि क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं, क्या हमारी स्किन में इससे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो जो सेकेंड इंग्रेडिएंट हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी थर्ड है वो है हमारी टर्मरिक, जो मैंने ली है गुड वाइब्स की। आप भी ले सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है ये पर्पल पे, 100 अराउंड 100 में आपको मिल जाएगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही हमें चुटकी भर लेनी क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ये। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ही नॉर्मली चुटकी भर लेनी है, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। सबसे बेनिफिट इस टर्मरिक के ये हैं कि ये स्किन में पीलापन नहीं छोड़ती है। जो हम घर की हल्दी यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पीलापन छोड़ देती है, इससे हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा और डार्क लगने लगती है ब्राइटन की जगह। तो यहाँ पे आपको डार्क स्पॉट्स हो रहे हों, स्किन में पिगमेंटेशन हो रही हो, रंग सांवला हो आपका, धूप में जाकर आपकी स्किन टैन पड़ गई है, तो आप इस रेमेडी को आज से ट्राई कीजिए और नाइट में ट्राई कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने बहुत लाइट वेट सी यहाँ पर जो हल्दी है वो ली है। जो हल्दी होती है वो हमारी स्किन को ब्राइटन और रेडियंट बनाने में हेल्प करती है और जो हमारी स्किन में डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको रिड्यूस करती है। जहाँ जहाँ पर हमारे पिंपल्स के काले दाग धब्बे रह जाते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करती है, उन्हें हटाने में मदद करती है हमारी। तो यहाँ पे हल्दी का यूज़ बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं बहुत नॉर्मली सी हल्दी इसमें डाली है हम लोगों ने। तो यहाँ पे आपको यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ। जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है, जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आजकल हर प्रोडक्ट में वो यूज़ होती है। अगर स्किन को वाइटन से लेके ब्राइटन से लेके आपको दुल्हन के निखार से लेके उसमें यूज़ की जाती है। जो हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है केसर। जो केसर होता है ना वो स्किन को बहुत ज़्यादा रेडिएंट बनाता है, बहुत ज़्यादा निखारता है हमारी स्किन को। तो चलिए केसर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने शेर छाप केसर लाइन सॉफ्टन ले ली है, जो मैंने ऑफलाइन परचेस की थी पंसारी के शॉप पे। आप किसी भी पंसारी के शॉप से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलती है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी केसर का भी, तो आप केसर का यूज़ कर सकते हैं। केसर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते हैं इस इंग्रेडिएंट को।
तो यहाँ पे जो हमारा पेस्ट है, जो पैक है, वो रेडी हो चुका है स्किन को ग्लास बनाने के लिए, स्किन को रेडियंट बनाने के लिए और आपकी स्किन में जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए जो हमारा पैक है वो रेडी हो चुका है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि सिर्फ इसको नाइट में यूज़ करना है। तो हमें जो यूज़ करना है, समर का टाइम चल रहा है तो कोल्ड वाटर यूज़ करना है। तो सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, मैं आपको हैंड में कर बता रही हूँ। तो आपको किस तरीके से यूज़ करना है बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी होने वाली है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ी सी रेमेडी और हमें जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको वैसे ही यूज़ करनी है। आपको सर्कुलर मोशन में अपनी स्किन में लगानी है और बिल्कुल ही जेंटल हाथों से आपको मसाज करनी है। तो बिल्कुल ही सर्कुलर मोशन में आपको 10 से 15 मिनट आपको मसाज करनी है आपके फेस पर, बिल्कुल ही जेंटल, बिल्कुल ही मुलायम हाथों से यूज़ करना है आपको, क्योंकि आपका स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो वहाँ पे हम टाइट हाथों का यूज़ नहीं कर सकते, जिसकी काफ़ी बार कई लोग टाइट हाथों का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, स्किन में स्क्रैचेस और पैचेस भी पड़ जाते हैं और रेडनेस आ जाती है ज़्यादा हाथ चलाने से, ज़्यादा मसाज करने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हाथों का यूज़ नहीं करना होता है हमें अपनी स्किन पे। तो जैसे जैसे आप मसाज करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो इंग्रेडिएंट है वो आपकी स्किन में जो पैक है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। जब ये अब्सॉर्ब हो जाए मसाज करते करते तो आपको ठंडे पानी से इसको हटा देना है। तो यहाँ पे आप ठंडे पानी का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ठंडे पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी ठंडे पानी कोई टॉवल में ले लीजिए या नॉर्मली आप वॉश भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉश कर लीजिए। तो ये मैंने कर लिया है क्लीन। तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप अपनी स्किन में ऐसा रिज़ल्ट देखेंगे, आपकी स्किन फर्स्ट बार भी यूज़ करने में ही बहुत ज़्यादा रेडिएंट होने लगेगी और बहुत ज़्यादा ब्राइटन भी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट का सबसे अच्छा यही फार्मूला है। क्योंकि जो सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं इसमें वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर इस रेमेडी की मैं बात कर लूँ कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि बेनिफिट हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट से एलर्जी हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसको स्किप करिए, अदरवाइज आप इस सेम प्रोसेस से बनाइए ये पैक। तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन में कितना ज़्यादा निखार और चमकती हुई स्किन आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप हर रात यूज़ कर सकते हैं इसको, अगर आपके इस फेस पे टैन हो रहा है, पिगमेंटेशन विलाज हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं और डे बाई डे अपनी स्किन को चमकता और निखरा हुआ बना सकते हैं। हाउस वाइफ की काफ़ी जो जॉब करती हैं वुमेंस, उनकी स्किन को बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है स्किन हीटिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये प्रोडक्ट होने वाले हैं। तो मैं सारे ही प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है स्किन के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय गाइस।